हिसार जिले के गांव खेदड़ स्थित खेदड़ थर्मल पावर प्लांट में अक्सर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी रखते हैं। इसी क्रम में अब खेदड़ थर्मल पावर प्लांट में चालक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया हुआ है। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 3-4 माह से सैलरी नहीं मिल पाई है, जिस कारण वह विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें पिछले 6 साल का PF भी नहीं मिल पाया है। जब वह थर्मल पावर प्लांट में ओवर टाइम करते हैं तो इसकी एवज में भी उन्हें अलग से किसी प्रकार की सैलरी नहीं दी जा रही। इसके साथ ही रविवार के दिन भी उन्हें ड्यूटी पर बुलाया जाता है और किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं दी जाती। अगर छुट्टी के दिन भी वह कार्य करते हैं तो इसकी एवज में उन्हें अलग से कोई पैसा नहीं मिलता। कर्मचारियों ने बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्क ऑर्डर के अनुसार उनकी सैलरी नहीं दी जा रही, बल्कि उन्हें मात्र 9200 रुपये सैलरी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के दूसरे थर्मल पावर प्लांटों में जहां चालकों के सैलरी है वो लगभग 18,000 रुपये प्रति मास है, वहीं हमारी सैलरी केवल 9200 रुपये प्रति माह है। इस तरह से आधी सैलरी में वह कार्य करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि जब वह इस मामले को लेकर वह अपनी मांगों को लेकर चीफ इंजीनियर SC एक्शन सहित दूसरे अधिकारियों से मिलते हैं तो अधिकारी उन्हें नौकरी से निकालने की धमकियां दे रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि या तो आप चुपचाप तरीके से कार्य करते रहो, अगर आपने किसी तरह का आंदोलन किया या किसी तरह का विरोध किया तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब कर्मचारियों ने मजबूरन बड़ा फैसला लिया है कि वह तब तक धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही इस तरफ प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वह थर्मल पावर प्लांट में लगे सभी कच्चे कर्मचारियों को अपने साथ बुला लेंगे और हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे खेदड़ थर्मल पावर प्लांट बंद हो सकता है, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी चीफ इंजीनियर की होगी। इस तरह से कच्चे कर्मचारियों ने जो चालक के पद पर कार्यरत हैं एक बड़ा अल्टीमेटम दिया है और अब तो थर्मल पावर प्लांट को बंद करने तक की चेतावनी दे दी है। अब देखने वाली बात यह कि आखिरकार प्रशासन की कुंभकर्ण नींद इस मामले पर कब टूट पाती है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट में ड्राइवर के पद पर कार्य करते हैं, 5-7 साल 8 साल करीबन हो चुके हैं। हमने जब भी हम तनख्वाह के लिए जाते हैं हमें यही शोषण किया जाता है कि दे देंगे, आज तक हमें टाइम पे कभी सैलरी नहीं मिली और मिनिमम वेज से कम ही दी जाती है हर बार, ना कि पूरी दी गई है, ना कोई ओवर टाइम है। रात को 2 बजे भी जाते हैं, 3 बजे भी जाते हैं, आज तक हमारा शोषण ही हुआ है इसके अंदर। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट के अंदर हैं हम सारे कार्यरत ड्राइवर के पद पर, और जो विनीत मिश्रा एक्शन है वो हमें धमकी देता है कि गेट पास हम नए ड्राइवर को बुला लेंगे बाहर से और आपको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। कल भी यही धमकी दी थी, आज भी यही धमकी दे रहे हैं। इसमें चीफ इंजीनियर का भी हाथ है, जो मोहम्मद इकबाल खान है, आज के मौके पर चीफ इंजीनियर साहब, उन्होंने भी यही धमकी दी हमें। तो हमारा यही शोषण चल रहा है लंबे टाइम से, आज तक हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। ये मामला है जी, अच्छा, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट में ड्राइवरी ग्राजिया में मामे 20-22 ड्राइवर हैं। हमें 8-10 साल से लगातार नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे। मामने ना तो टाइम पर पीछे मिल दे, ना PF संडे मंडे, ये तो दूर की बात रहेगी। रहेगी बात पीछे मांगने भी गए तो बोले अगर चले जाओ भाई नया ड्राइवर बुला लेंगे, बोला पुलिस केस कर दें, केस ही मारे बकर है। रहेगी फिर ये नीचे जे ही रह गए और पटपट रह गया, कदे तेल का बले मिला दिया, कदे किमें कर दिया, खाए जाए आप हर नाम ड्राइवर का, ना पैसे दे रहे ना कुछ और दे रहे। मैं तो ये कहना चाहूँगा हमारी हड़ताल इतनी लंबी चल रही, पूछो ना कुछ भी कर सका, हमारा सिस्टम सोल्व नहीं होया तो।